हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। एंड यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल न्यू हुंडई वेन्यू की। एंड अगर आप कोई भी हुंडई प्रोडक्ट देख रहे हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हर्ष मोटर्स इंदौर। एंड इस शोरूम की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं लोकेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वह सबसे पहले अगर बात करें उसकी कीज़ की, तो यहाँ पे हमको कुछ इस टाइप की जो है कीज़ देखने के लिए मिलती हैं। एंड यहाँ पे लॉक का स्विच, यहाँ अनलॉक, यहाँ फोटो ओपन करने का स्विच। साथ में अगर बात करें कीज़ की क्वालिटी की, तो काफ़ी प्रीमियम की देखने के लिए मिलती है। एंड यहाँ पे इस बटन को प्रेस करके आप इसकी फिजिकल एक की है उसको भी आप निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर बात करें इसके इंजन की, तो यहाँ पे हमको मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस होता है 81.80 bhp की पावर। साथ में हमको मिलता है 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड इस इंजन के साथ में हमको मिलता है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड इस इंजन की जो नॉइस है, जो रिफाइनमेंट है, वो काफ़ी अच्छा हमको देखने के लिए मिल जाता है। एंड एफिशिएंसी जो है वो भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। एंड यहाँ पे अगर बात करें इसके फ्रंट लुक्स की, तो यहाँ देखेंगे काफ़ी बड़ी सी ग्रिल रखी है। साथ में हमको डार्क एलिमेंट्स मिल जाएंगे क्रोम के, इंक्लूसिव ब्लैक फिनिश के भी। साथ में नीचे हमको मिल जाएगी सिल्वर स्किड प्लेट। एंड यहाँ देखने का व्यू ओवरऑल तो काफी अच्छी लगती है। काफी बॉक्सी पैटर्न पे इसका जो फ्रंट लुक देखने के लिए मिलता है। नीचे हमको मिल जाएगा इसका टोइंग हुक। एंड यहाँ पर अगर बात करें इसके हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पे हमको मिलती है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स LED DIR के साथ में, जो कि काफी अच्छा थ्रो प्रोवाइड करती है। रात में इसको स्मोक ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है साइड्स में हमें। एंड ऊपर हमको मिल जाएगा इसका इंडिकेटर जो कि हमको मिलता है बल्ब में। एंड यहाँ देखेंगे ओवरऑल काफी अच्छी लगती है दिखने में हुंडई वेन्यू। एंड इसकी जो ग्रिल है उससे जो इसका फ्रंट में लुक से एनहांस काफी ज्यादा हो जाता है। एंड अगर बात करें हम साइड्स पे चलते हैं, तो साइड से अगर बात करें तो यहाँ पे हमको मिलते हैं 15 इंच के स्टील व्हील कैप के साथ में, जिसका सेक्शन है 195/65 का। एंड काफी एक अच्छी जो है इसकी क्वालिटी मिलती है हमें टायर्स की भी। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे व्हील्स का अराउंड आपको मिलेगी ब्लैक क्लेडिंग जो कि पूरी बॉडी के सराउंड में मिलती है। एंड यहाँ देखेंगे पूरी बॉडी के साथ में दी गई है जो कि काफी अच्छी लगती है। इसका जो लुक है उसको एनहांस करती है, बोल्डनेस प्रोवाइड करती है। IRVM में आपको मिल जाएगा इसके टर्न इंडिकेटर्स जो कि मिलते हैं सी शेप में आपको। एंड यहाँ पर अगर बात करें डोर हैंडल्स की, तो वो मिलता है आपको बॉडी कलर, ऊपर मिल जाएगा रूफ रेल एंड स्पॉइलर, साथ में शाफ्ट एंड एंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। एंड इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया गया है। एंड अगर बात करें इसकी विंडो लाइंस की, विंडो एरिया की, तो काफी अच्छा मिलता है वो डिसेंट साइज का। एंड यहाँ पर अगर बात करें साइड्स के लुक की, तो देखेंगे कुछ इस टाइप का मिलता है इसका पूरा का पूरा साइड लुक। ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है वो काफी अच्छी हमको देखने के लिए मिल जाती है। एंड यहाँ पे देखेंगे आप तो काफी एक एजी से इसको जो है पूरा लुक दिया गया है। एंड उसकी डोर की ओपनिंग है वो भी काफी ज्यादा वाइड एरिया हमको देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे आपको जो है विंडोज में ब्लैक ट्रीटमेंट जो है विंडोज के साइड्स में, मतलब डोर्स में, वो देखने के लिए हमको मिल जाता है। एंड रिक्वेस्ट की आपको सिर्फ ड्राइवर साइड ही देखने के लिए मिलती है। सो ओवरऑल बात करें साइड से, तो काफी अच्छा एक साइड लुक उसका जो है वो देखने के लिए हमको मिल जाता है। एंड यहाँ पर बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पे हमको मिलता है 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। रियर्स में चलते हैं, तो रियर की बात करें तो देखेंगे आप काफी एक प्रीमियम एंड अच्छा एलिगेंट जो है इसका रियर लुक देखने के लिए मिलता है। हुंडई की ब्रांडिंग मिल जाएगी हमको, S6 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। साथ में कनेक्टेड LED टेल लैम्प देखने के लिए मिलती है जो कि काफी अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे हमको मिल जाएगा इंडिकेटर जो कि मिलता है बल्ब में। रियर में हमको पार्किंग सेंसर्स, रियर में कैमरा एंड रियर में डिफॉगर, रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। नीचे हमको मिल जाएगी सिल्वर स्किड प्लेट। एंड ऊपर देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमको जो है वाइपर का ऑप्शन नहीं आता है। इसमें हमको मिलेगी रियर डिफॉगर एंड ऊपर शार्फिन एंटीना। एंड अगर बात करें हम इसके बूट की, तो बूट ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलती है 350 लीटर की बूट स्पेस जो काफी सफिशियंट है, काफी डीप भी है। साथ में इसकी जो बूट है वहाँ पे हमको जो है इसकी बूट लैंप भी देखने के लिए मिल जाती है। एंड साथ में हमको यहाँ पे मिल जाएगा इसका पार्सल ट्रे। रियर सीट्स जो हैं वो हमको 60-40 स्पीड के साथ में देखने के लिए मिलती हैं, तो काफी एक अच्छा बूट स्पेस है। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। हेलो एवरीवन, तो हम आ चुके हैं ऑल न्यू हुंडई वेन्यू के अंदर। एंड ये जो है S6 वेरिएंट पेट्रोल में। एंड यहाँ पर अगर बात करें इसके इंटीरियर की, तो सबसे पहले हमको कुछ इस टाइप का मिलता है इसका पूरा डैशबोर्ड का लेआउट। एंड अगर हम बात करें इसके डोर्स की, तो यहाँ पे हमको कुछ डोर्स का इस टाइप से मिलता है लेआउट, इसमें कि आपको यहाँ पे डोर हैंडल मिल जाएगा सिल्वर फिनिश में। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्विटर, यहाँ पे आपको जो है डुअल डोर में डोर दिया गया है। साथ में पावर विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर के एडजस्ट करने के स्विचेस। एंड नीचे आपको मिल जाएगा वाटर बॉटल होल्डर। एंड अगर बात करें डोर मटेरियल की, तो काफी प्रीमियम मटेरियल यूज किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे आपको राइट साइड में
यहाँ पे आपको मिलेगी पावर स्टार्ट स्टॉप का स्विच, यहाँ पे आपको मिलेगी इसकी हेडलाइट एडजस्ट करने का स्विच, यहाँ पे मिलेगा आपको व्यू का बटन यानी कि DRVM रियर व्यू मिलता है, साथ में ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रैक्शन का बटन। एंड यहाँ पे देखेंगे हम तो यहाँ पर अगर बात करें इसके स्टेयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट की, तो यहाँ पे जो स्टेयरिंग का एडजस्टमेंट है वो हमें मिलता है टिल्ट के लिए। एंड यहाँ पर अगर बात करें ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से ड्राइवर को क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलने वाली है, तो वहाँ पे हमको मिलेगा फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड, साथ में यहाँ पे हमको मिलेंगे इसके जो मेन्यू के कंट्रोल्स है वो यहाँ से, एंड यहाँ पे हमको मिलेंगे इसके ऑडियो कंट्रोल्स एंड ब्लूटूथ कंट्रोल्स, साथ में यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील का फील एंड फीडबैक है ना काफ़ी अच्छा लगता है, साथ में यहाँ पे आपको सिल्वर एसेंट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे हमको मिलता है हेडलैम्प कंट्रोल, यहाँ पे हमको मिलेगा वाइपर कंट्रोल, एंड जो हेडलैम्प्स है उसमें आपको ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यहाँ देखेंगे इसके जो कलर्स है वो चेंज कर सकते हैं, एंड सेंटर में आपको मिल जाएगी इसकी MID जो कि आपको LCD मिलती है, ये नीचे आपको मिल जाएगा टेम्परेचर, यहाँ पे ओडो, यहाँ पे आपको डिस्टेंस टू MT, यहाँ पे फ्यूल गॉज, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे टेकोमीटर, यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे आपको डायरेक्शंस मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मोटर सिस्टम मिल जाएगा आपको, एंड यहाँ पे आप वही सब चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं। एंड अगर म्यूज़िक में वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं या सॉन्ग चेंज करते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर बात करें इसके AC वेंट्स की, तो यहाँ पे हमको कुछ इस टाइप के मिलते हैं इसके AC वेंट्स, एंड ये जो AC वेंट्स हैं इसको आप फुली क्लोज्ड भी कर पाएंगे। एंड साथ में ये जो सिल्वर के इसमें एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं काफ़ी एक प्रीमियम टच देते हैं, एंड काफ़ी इसके जो लुक्स है उसको अपीलिंग और बढ़ा देते हैं। एंड अगर बात करें इसके डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे हमको जो है टेक्सचर मटेरियल मिलता है, एंड ह्युंडई जो है हमेशा अपने जो मटेरियल है जो प्रीमियमनेस पे उस पर हमेशा ध्यान देता है, ऐसा ही ह्युंडई वेन्यू में भी है। यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी एक अच्छा मटेरियल है, सॉफ्ट टच नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है पूरा का पूरा, लेकिन काफ़ी एक फील फीडबैक एंड फिट एंड फिनिश जो है इंटीरियर की वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमको देखने के लिए मिल जाती है। साथ में यहाँ पर मिलेगी आपको 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें कि आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लू लिंक का सपोर्ट मिलता है, साथ में रेडियो, ब्लूटूथ, वो सब चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। एंड सबसे अच्छी बात जो है इसका टच काफ़ी काफ़ी कमाल का जो है हमको उसका टच देखने के लिए मिल जाता है। एंड अगर बात करें साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको मिलता है 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर का सपोर्ट जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। गाइस अगर बात करें इसके रियर कैमरा की, तो यहाँ पे अगर इसका मैं रियर कैमरा लगाता हूँ तो यहाँ पे हमको जो है कुछ इस टाइप की जो है हमको क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। एंड यहाँ पे इसकी जो आप व्यू है उसको आप चेंज कर सकते हैं, या आपको टॉप व्यू मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक वाइड व्यू मिल जाएगा। सो गाइस कैमरा क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको जो है गाइडलाइंस मिलती है मूविंग, एंड पार्किंग सेंसर्स के आपको जो ऑप्शन है वो मिलते हैं आपको MID में। एंड यहाँ पे आपको अगर नीचे देखेंगे हम, तो यहाँ पे आपको जो है फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं वॉल्यूम के लिए, एंड यहाँ पे भी आपको जो है ट्यून कर सकते हैं। आपको ये सबसे अच्छी बात ये थी कि फिजिकल बटन कंपनी प्रोवाइड करती है जिससे कि आपको ड्राइविंग के टाइम कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, एंड आपका जो ध्यान है पूरा पूरा ड्राइविंग के ऊपर चले जाता है। एंड यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिलती है ग्लोसी ब्लैक फिनिश जिसमें कि आपको यहाँ पे 1000 mAh का स्विच मिल जाएगा। एंड यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिलता है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो है वो डिस्प्ले दी गई है क्लाइमेट कंट्रोल की, एंड यहाँ पे जो है ये टेम्परेचर का स्विच है, एंड यहाँ पे जो है वो फैन का जो ब्लोअर है उसकी स्पीड का स्विच, यहाँ पे इसके मोड्स मिल जाएंगे हमको एयर सर्कुलेशन के, फ्रंट में, रियर में, डिफॉगर वगैरह उसका स्विच मिल जाएंगे हमको, एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, काफ़ी एक अच्छा इसका जो है देखने के लिए मिलता है हमें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। एंड अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है इसका USB पोर्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे आपको मिल जाएगा Type-C का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, एंड यहाँ पे हमको जो है वायरलेस चार्जिंग पॉइंट भी देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। एंड पीछे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है इसका 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, एंड ये जो गियर लीवर है ये पूरा जो है लेदर रैप्ड मिलता है, एंड यहाँ पे भी आपको जो है सिल्वर मैट फिनिश में जो है वो एलिमेंट्स दिए गए हैं। पीछे हम आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसके कप होल्डर्स, एंड हैंडबैग मिल जाएगा आपको यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो है इसका आर्मरेस्ट मिलता है सेंटर आर्मरेस्ट जो कि मिलता है फिक्स्ड में, एंड इसकी जो स्पेसिंग है वो भी आपको डिसेंट अमाउंट की स्पेस जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। साथ में यहाँ पे अपना फोन वॉलेट वगैरह रख सकते हैं, कभी होस्ट टाइप के दिए हुए हैं, एंड यहाँ पे हमको मिलता है इसका कूल ग्लव बॉक्स, एंड इसकी जो स्पेसिंग है काफ़ी डिसेंट अमाउंट की मिल जाती है। एंड अगर बात करें पेडल्स के बीच में स्पेसिंग की, तो यहाँ पे जो है मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है डेडिकेटेड डेट पेडल देखने के लिए मिल जाता है, एंड स्पेसिंग भी जो है काफ़ी अच्छी मिल जाती है पेडल्स के बीच में। तो सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑटोमेटिक IRVM, साथ में यहाँ पे आपको SOS का स्विच मिल जाएगा, आपको ब्लोलिंग का स्विच मिल जाएगा, एंड इमरजेंसी में टोइंग का स्विच मिल जाता है, साथ में रीडिंग लैंप आपको मिलती है येलो बल्ब में, एंड यहाँ पे जो है आप इसका अगर सनरूफ ओपन करना चाहें जिसमें आपको मिलता है इलेक्ट्रिक सनरूफ, तो वो जो है आप इस बटन से ओपन कर पाएंगे, एंड काफ़ी डिसेंट साइज़ का जो सनरूफ देखने के लिए मिलता है हमें। एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिलता है टिकट होल्डर सनशेड में ड्राइवर साइड, एंड को ड्राइवर साइड अगर बात करें तो वहाँ पे आपको जो है वैनिटी मिरर भी देखने के लिए मिल जाता है, ऊपर आपको मिलेगा माइक,
एंड ग्रैब हैंडल की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के मिलते हैं ग्रैब हैंडल, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलते हैं। सो गाइस ओवरऑल इंटीरियर की बात करें फ्रंट में, तो काफ़ी एक अच्छा प्रीमियम इंटीरियर देखने के लिए मिलता है यहाँ पे आपको। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको जो है वो पूरा इसका बोनेट विजिबल होता है। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है फैब्रिक सीट्स, जिसका कंफर्ट एंड कुशनिंग काफ़ी अच्छी हमको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिलता है। एंड ड्राइवर साइड की अगर सीट की बात करें तो उसको आप जो है हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे, साथ में आगे पीछे वो तो होता ही है। सो अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट्स में और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं हुंडई वेन्यू के रियर सीट्स में। एंड यहाँ पर अगर बात करें रियर सीट कंफर्ट की एंड स्पेस की एंड क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है उसके बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं डोर्स की। तो यहाँ पे हमको कुछ इस टाइप का मिलता है इसका पूरा डोर्स का लेआउट। नीचे आपको मिल जाएगा स्पीकर, यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे पूरा डोर जो है पूरा हार्ड प्लास्टिक में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको डुअल डोर फिनिश देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पे डोर हैंडल में आपको जो है सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। विंडो एरिया जो है काफ़ी वाइड इनफ आपको देखने के लिए मिलता है। एंड पीछे से कुछ आपको इस टाइप का मिलता है इसका डैशबोर्ड का लेआउट। एंड यहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रिक सनरूफ दी गई है। यहाँ पे सेंटर में आपको मिल जाएगी इसकी रीडिंग लैंप जो कि आती है येलो बल्ब में। एंड यहाँ पे पीछे आपको मिल जाएगा ग्रैब हैंडल, साथ में कोट हुक का ऑप्शन भी दिया गया है। एंड अगर बात करें हम इसके स्पेसिंग की, तो मेरी जो हाइट है फॉर द रेफरेंस 5'11" है। एंड यहाँ पे मैं कंफर्टेबली जो है पीछे बैठ सकता हूँ। डिसेंट अमाउंट की जो स्पेस हमको देखने के लिए मिल जाती है, लेग रूम भी अच्छा मिल जाता है, अंदर थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है। एंड सीट की जो कुशनिंग एंड कम्फर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए हमको मिलती है। एंड साथ ही साथ यहाँ देखेंगे हम तो यहाँ पर हमको मिलता है इस इवेंट्स। नीचे आपको मिलेंगे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। एंड यहाँ जो सीट्स हैं वो फैब्रिक मिलती हैं, लेकिन काफ़ी एक अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं। हम की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हम पे वो भी डिसेंट अमाउंट को मिलता है। एंड को ड्राइवर साइड आपको जो है वो मैगजीन होल्डर भी देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप का मिलता है। एंड इस कार में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग का सपोर्ट, ABS, EBD, तो सेफ्टी के मामले में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पीछे मिलते हैं आपको 3 हेडरेस्ट प्रॉपर तीनों पैसेंजर्स के लिए। एंड यहाँ पे मीडियम बिल्ड की जो है 3 पैसेंजर इजिली बैठ सकते हैं। साथ में एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे जो सीट्स हैं जो रियर सीट्स हैं उसका जो रिक्लाइन एंगल है वो आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप दो जो वे हैं एंगल आप सबसे एडजस्ट कर सकते हैं। आपको 2 स्टेप्स मिलती हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है, कम्फर्ट बात है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रहते हैं जिसको जो एंगल है वो पीछे करके ट्रेवल करना काफ़ी पसंद होता है। सो गाइस ये था पूरा वीडियो हुंडई वेन्यू का। एंड कमेंट करके बताइए आपको हुंडई वेन्यू कैसी लगी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।